अम्बाला के मुलाना विधानसभा क्षेत्र के बरौली गांव और कलेरा के बीच बच्चों से भरे टेम्पो ट्रैवलर का एक्सीडेंट होने से 3 बच्चों को गंभीर चोटें आई और 7 बच्चों का ओपीडी में इलाज चल रहा है। बता दें कि कलेरा सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़कर अपने घरों के लिए रवाना हो रहे थे कि रास्ते में आ रहे टेम्पो ट्रैवलर सेल से लिफ्ट मांगी और उस पर सवार हो गए। बीच रास्ते टेम्पो ट्रैवलर का बैलेंस बिगड़ने से टेम्पो ट्रैवलर पेड़ से जा टकराया, जिससे 3 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं और वहीं 7 बच्चों का अम्बाला शहर नागरिक अस्पताल की ओपीडी में इलाज चल रहा है। ये कलेरा से स्कूल से बच्चे आ रहे थे, टेम्पो वाले ने लिफ्ट दी थी, वहाँ टेम्पो वहाँ एक रैंप पर सड़क में जी थोड़ा सा, और बच्चों ने थोड़ा अंगा मंग रहा, टेम्पो वाले ने पीछे मुड़कर बोलिया, ओए बच्चे चुप बैठ जाओ, बस ऐसे बैलेंस खराब हो गया उसका, ब्रिक्स में लग गया। कहाँ, जैसे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कलेरा स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। कलेरा स्कूल कहाँ पे और कहाँ घर के लिए जा रहे थे, कहाँ के लिए जा रहे थे? कलेरा स्कूल से आ रहे थे जी, सड़क पे खड़े थे, बच्चे टेम्पो रुकवा लिया, टेम्पो वाले ने इनको बैठा लिया जी, ये मतलब बच्चे थोड़ा हंगामा करने लगे टेम्पो में, टेम्पो वाले ने उनको बोलिया बच्चे आराम से बैठ जाओ, पीछे मुड़ के एकदम देखने की कोशिश करी उसने, एक वहाँ रैंप था जी, इसलिए उसका बैलेंस खराब हो गया, बैलेंस खराब होने के कारण मतलब उसमें दरख्त में लग गया टेम्पो। कितने बच्चे थे टेम्पो? बच्चे करीब 20 के करीब थे बच्चे टेम्पो में जी। जी कुछ बच्चों को थोड़ी चोट आई है, वो गांव में है, गांव में मतलब किसी ने दूध पिलाया, हड्डी दी या कुछ भी कराया, मतलब अपने बच्चे का गांव में इलाज करवा रहे हैं छोटे मोटे, बाकी जिनको ज्यादा चोट आई थी वो हॉस्पिटल में। इस मामले में जब अस्पताल में बच्चों का उपचार कर रहे डॉक्टर संजय से बात की गई तो डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि 3 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें एक बच्चे की टांग में फ्रैक्चर हुआ है और बाकियों को शरीर के अन्य भागों में कुछ एक चोटें आई हैं और इसके साथ ही बच्चों का इलाज ओपीडी में चल रहा है। ये हमारे पास अभी ना 3 बच्चे पहले एम्बुलेंस में आए हैं और तीनों बच्चों को हमने एडमिट कर लिया, ऑर्थोपेडिशियन को बुला लिया है। ये एक एक्सीडेंट हुआ है ऑटो में, स्कूल के बच्चे अपने गांव में जा रहे थे तो इन्होंने किसी ऑटो में लिफ्ट ली थी और ऑटो रोड कोई अप एंड डाउन थी और किसी पेड़ से टकरा गए, बच्चे सारे गिर गए और उसमें से 2 को फ्रैक्चर है और 7 बच्चे ओपीडी में हैं जो बाद में आए हैं एम्बुलेंस से, और पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, SHO साहब वहाँ पे थे, इंस्पेक्टर साहब भी आ गए और इमीडिएटली इनको ट्रांसफर किया गया जनरल हॉस्पिटल में। वी वर रेडी विद आवर होल टीम और हमने 3 को तो एडमिशन कर दिया है, ऑर्थोपेडिशन देख रहे हैं, फर्स्ट एड दे दी है हमने और तीनों बच्चे सेफ हैं, कोई भी आउट ऑफ डेंजर नहीं है और 7 बच्चे ओपीडी पे हैं जो अभी ऑब्जर्वेशन में हैं और वी आर डूइंग आवर बेस्ट और दे आर गेटिंग देयर ट्रीटमेंट।